हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है उसको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स जो है सरकार को उठाने चाहिए। इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर गाँव के अंदर जो हमने बेरोज़गारी को ख़त्म करना है तो उसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए क्या सुजेस्टिव मेयर्स हैं जिसके बेसिस पे क्या है कि हम गांव के अंदर जो विलेजेस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो देखो, विलेज के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं और एग्रीकल्चर जो होता है सीजनल होता है और एग्रीकल्चर के अंदर ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है। तो नेचुरली वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा रूरल जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में हो सकती है। और फोकस होना चाहिए कि उनको वेज एम्प्लॉयमेंट जो है एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए। और उसी तरह जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्नाइज होनी चाहिए ताकि उसकी यील्ड और प्रोडक्टिविटी जो है इन्हांस हो। और उसी तरह जो अलाइड सेक्टर हैं जैसे जो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ वो भी जो है प्रोफेशन जो है जो विलेज के अंदर लोग हैं अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा, तो उनकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और जिसकी वजह से क्या है कि बेरोज़गारी जो है विलेजेस के अंदर रिमूव हो सकती है। और उसी तरह नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी डिवेल्प करना चाहिए, स्मॉल स्केल सेक्टर जो है, बेसिकली एग्रो बेस्ड सेक्टर जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी चीज़ों को अगर डेवलप किया जाए तो विलेजेस के अंदर जो है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। और सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को जो है बहुत सारे प्रोग्राम जो है स्टार्ट करने चाहिए। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे रूरल जो विलेजेस के अंदर जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्मॉल टाउन के अंदर भी जो है सेटअप करना चाहिए। और जिससे क्या होता है कि नेचुरली जैसे लोग जो है गांव से शहरों की ओर भाग रहे हैं तो उसको चेक किया जा सकता है, क्योंकि जब उनको रोज़गार विलेजेस के अंदर ही मिल रहा है तो वो शहरों की ओर नहीं भागेंगे। और उसी तरह क्या है कि देखो, जैसे एजुकेशन, मेडिकल साइंस, हॉस्पिटल्स वगैरह जो है विलेजेस के अंदर खोलने चाहिए ताकि विलेज के अंदर भी ये फैसिलिटीज़ मिले। और उसी तरह क्या है कि सरकार को चाहिए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करे और बहुत सारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए और विलेजेस के अंदर क्या है कि लोगों को एजुकेट करे कि किस तरह जो है पॉपुलेशन, किस तरह से फैमिली छोटी होने से वो अपनी जो गरीबी की सिचुएशन है उसको रिमूव कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो कि छोटे लेवल पर जो लोन वगैरह देते हैं, माइक्रो फिनांसिंग करते हैं, उस तरह से क्रिएट होने चाहिए ताकि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सके। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि अर्बन शहरों के अंदर जो बेरोज़गारी होती है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो वहाँ पे भी क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी एक्सपेंशन होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए। और जिसकी वजह से क्या है कि नेचुरली जब न्यू इंडस्ट्री सेटअप होएगी या मॉडर्नाइज होएगी, एक्सपेंशन होएगी, तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। और उसी तरह जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि लोगों को टेक्निकल स्किल्स नहीं आती, तो वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि जो यूथ है, जो यंगर जनरेशन है, वो कुछ स्किल सीख सके और जिसके बेसिस पे क्या है कि जॉब को प्राप्त कर सके। और उसी तरह क्या है कि गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो यूथ को जो है मोटिवेट करें कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, खुद का काम जो है स्टार्ट करें। और उसी तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप किया जाए, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है और काफ़ी लोगों को जो है ये रोज़गार प्रोवाइड करती है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके रोल को भी सिग्निफाई किया जाए ताकि उसके पास जो है वो डाटा आए और वो जो है जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको नोटिफाई करे। और उसी तरह अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है कि जो बैंक्स हैं उनको एक सही प्रपोज़ल लेके आना चाहिए कि किस तरह से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके हित में काम करना चाहिए और बेरोज़गारी को जो है ख़त्म होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो FDI का पैटर्न है कि जो सरकार है,
चाइना के साथ मिलके जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का काम जो है शुरू करें, ताकि जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो देश के अंदर फंड्स आएंगे, तो उससे क्या है कि नेचुरली बिज़नेस खुलेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और उसी तरह जनरल रेमेडीज़ क्या है कि देखो, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे अर्बन एंड रूरल दोनों के अंदर जो होते हैं पुअर पीपल होते हैं, तो उनके लिए सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। और स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर जो है उनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जिस सीज़न के अंदर वो बेरोज़गार होते हैं उस सीज़न के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो, डायरेक्ट वेज एम्प्लॉयमेंट ऑन रूरल कैपिटल वर्क और इन दी फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग एसेट्स और प्रोवाइडिंग इनपुट्स टू दीज पीपल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो उसी तरह क्या है कि देखो, या तो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, या उनको एसेट प्रोवाइड करो, या उनको इनपुट्स प्रोवाइड करो। तो नेचुरली ये सरकार के लिए क्या है कि एक अच्छा, जैसे नरेगा के अंदर भी सरकार यही स्टेप्स लेती है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। और उसी तरह क्या है कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर लोगों की कैपिटल, जो लोगों कैपिटल सेविंग जो है इंक्रीज हो, ताकि जिसके बेसिस पे कैपिटल फॉर्मेशन हो सके और काम जो है इंक्रीज हो सके। और उसी तरह यहाँ पे ये भी है कि जो ह्यूमन सोर्सेज हैं उनकी बेटर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है और जो पॉपुलेशन है उसको किस तरह से स्किलफुली किस तरह से डिवेलप करना है। और उसी तरह रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि नेचुरली जैसे सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली यहाँ पे जैसे रूरल वर्क प्रोग्राम जो है स्टार्ट किए गए हैं, वहाँ पे कुछ टीचे रखे जाते हैं कि हमने इतने लोगों को रोज़गार देना है और सिविल वर्क जो है कंस्ट्रक्ट करना है। और इस प्रोग्राम के अंदर 400,000 लोगों को जो है रोज़गार मिला है। और उसी तरह हम देखते हैं मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर डेवलपमेंट एजेंसी, और देखो फोर्थ प्लान के अंदर ये स्कीम जो थी, जो कि मार्जिनल फार्मर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं होती, या एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं उनको सब्सिडाइज क्रेडिट सपोर्ट दी जाती है, ताकि वो हॉर्टिकल्चर डेयरी पोल्ट्री जो अलाइड बिजनेस है एग्रीकल्चर के अंदर उनको स्टार्ट कर सकें। और उसी तरह स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी जो है ड्यूरिंग फोर्थ प्लान विद द ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड स्मॉल फार्मर्स क्रेडिट, ताकि वो जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर को जो है वो मॉडर्नाइज कर सके, टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर यूज़ कर सकें। और उसी तरह क्या है कि 500,000 जो प्रोग्राम जो 73-74 के अंदर स्टार्ट किया गया था, और जिसके अंदर क्या था कि 100 करोड़ की प्रोविज़न की गई थी, और यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी को कहा गया था कि ये प्रोग्राम जो है इसको इम्प्लीमेंट करो और इसको फॉर्मुलेट करो। और यहाँ पे ड्रॉट एरिया प्रोग्राम जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए किया गया था, और यहाँ पे था कि वहाँ पे लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम जो थे स्टार्ट किए गए थे, जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे, किस तरह से सॉइल को कंजर्व करना है, किस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। और उसी तरह क्या है कि कुछ क्रैश प्रोग्राम भी रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो थे स्टार्ट किए गए थे, जो कि उनको काफ़ी सारे मतलब उसके अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो थे प्रोवाइड करते थे। और उसी तरह ही देखो फूड वर्क्स प्रोग्राम जो है 77 के अंदर फिफ्थ प्लान के अंदर जो है स्टार्ट किया गया था, और यहाँ पे क्या था कि जो लेबर फोर्स के अंदर इंक्रीज़ होती है उसको किस तरह से हमने अब्सॉर्ब करना है। और उसी तरह नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो था 80 के अंदर था, इसने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को रिप्लेस किया था, और स्टेट गवर्नमेंट को जो थी सेंटर से भी हेल्प मिलती थी, और यहाँ पे फूड ग्रेन भी मिलते थे और कैश भी मिलता था, ताकि रूरल एरियाज़ के अंदर वो प्रोडक्टिव वर्क जो है कैरी ऑन कर सके। और उसी तरह इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो 6th प्लान था उसके अंदर क्या था कि जो बहुत सारी एजेंसी जो थी उनको इंटीग्रेट किया गया था, ताकि वो विलेजेस के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर कुछ डेज के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। और SFDA, MFALDA, ड्रॉट एरिया प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो थे सेटअप किए गए थे, और एंटी पावर्टी प्रोग्राम जो था वो भी डिज़ाइन किया गया था। तो नेचुरली हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है रूरल डेवलपमेंट एजेंसी भी जो थी सेटअप की गई थी।
और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया गया था 3 के अंदर स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट था कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जो थी वो जनरेट करनी थी। और जवाहर रोजगार योजना के अंदर जो था प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने स्टार्ट की थी कि जितनी विलेजेस के अंदर जो रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट जो है, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट कमेटी जो थी मर्ज कर दिया गया था। यहाँ पे था कि हर एक पंचायत को इन्होंने कवर करना था और उनको रोज़गार प्रोवाइड करना था। और उसी तरह महिला समृद्धि योजना थी जो कि 2 अक्टूबर 1993 को जो थी लॉन्च की गई थी। और इसके अंदर भी जो रूरल 18 साल से अबव लेडीज़ थी उनको ये कवर करती थी। इसके अंदर एवरी एडल्ट वुमन जो थी, जो कि बेसिकली जो है MSY अकाउंट जिसका होता था, तो वो ₹300 से खुलवाती थी, तो उसको इंसेंटिव जो था मिलता था। और यहाँ पे रूरल वेमेन को जो था काफ़ी अटोनमी दी गई थी। और ये जो थी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट की गई थी स्कीम को। और उसी तरह नेहरू रोजगार योजना जो थी अर्बन पुअर के लिए थी और जो कि पावर्टी लाइन से नीचे रहते थे। और यहाँ पे ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन जो के लिए जो था ये स्कीम्स थी। और उस तरह प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पावर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम ये 1995-96 के अंदर शुरू किया गया। और यहाँ पे भी था कि सोशल सेक्टर गोल के ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, कम्युनिटी को एम्पावरमेंट देनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, लोगों की स्किल अपग्रेड करनी है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है, कम्युनिटी एम्पावरमेंट। और इसके अंदर 5 मिलियन अर्बन पुअर जो थे उनको कवर किया था। और उसी तरह जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, और इसके अंदर भी क्या था कि अर्बन अनएम्प्लॉयड को जो है जो पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं उनको रोज़गार प्रोवाइड करना था। और उसी तरह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो थी NRLM ये 99 के अंदर सेटअप की गई। और यहाँ पे था कि माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं उनको असिस्ट करना और जो पुअर फैमिलीज हैं उनको सेल्फ हेल्प करना, और जो पावर्टी लाइन से ऊपर है उनके द्वारा पुअर फैमिलीज़ को हेल्प करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना। और उसके द्वारा क्या है कि नेचुरली कैपेसिटी बिल्ड करना, इनकम जनरेटिंग एसेट की प्रोविज़न क्रिएट करना, उनको बैंक क्रेडिट देना और साथ साथ गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करना। और उसी तरह संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना थी। और यहाँ पे भी क्या था कि काफ़ी सारी स्कीम जो थी मतलब इसके साथ मर्ज की गई थी। और यहाँ पे था कि एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट जो था फूड सिक्योरिटी के साथ जो है प्रोवाइड करना था। और उसी तरह हम देखते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम जो कि 2006 के अंदर जो थी मनमोहन सिंह ने जो थी स्टार्ट, मनमोहन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, यहाँ से गलती से लिखा गया है गांधी, इसको जो है सिंह करना है, मनमोहन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट की थी इसको। और यहाँ पे जो था कि बेसिकली यहाँ पे था कि हर एक जो 150 मिलियन रूरल हाउस होल्ड है तो उसके अंदर हर एक मेंबर, हर एक हाउस होल्ड के अंदर जो है उसको 100 डेज का जो है काम मिलना चाहिए। और उस वक्त मिनिमम वेज जो थी 65 थी। और ये जो एक्ट है सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स को प्रोवाइड करता है जो कि पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। और यहाँ पे होता है कि ग्रोथ जो है हमने जो है इक्विटी के साथ जो है अचीव करनी है।